ये देश के बंटवारा के यदि सही मायने में कोई जिम्मेदार है तो वो सावरकर है। कांग्रेस के नेताओं के पद लोलुपता के कारण भारत का दो हिस्सों में बंटवारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से सीएम बने हैं तब से लगातार मीडिया के सामने वीर सावरकर के नाम पर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में भी सावरकर पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि सावरकर ने दो राष्ट्र की थ्योरी दी थी जिसके चलते भारत देश का दो भागों में विभाजन हुआ। वो सावरकर 1925 में हिंदू महासभा के अध्यक्षता करते हुए भाषण देश, ये देश में आजाद हो लेकिन दो राष्ट्र बनना चाहिए, एक हिंदू के एक मुसलमान के। तो पहला प्रस्ताव सावरकर के, और 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ये बात लगी कि हाँ दो राष्ट्र बनना चाहिए। तो जैन भाषा सावरकर बोलोतरी से वही भाषा मोहम्मद अली जिन्ना बोले हैं। तो देश के बंटवारा के लिए गांधी जिम्मेदार नहीं है, देश के बंटवारा के लिए जिम्मेदार कोई है तो सावरकर और जिन्ना है। वहीं राजधानी रायपुर दक्षिण विधानसभा विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार किया। ब्रिजमोहन ने कहा कि कांग्रेस नेता पद लोलुपता के कारण देश को दो टुकड़े में बांट दिए, इस इतिहास को कांग्रेस बदलना चाहती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बार बार इसी तरह का बयान देते रहते हैं। इस देश के दो बंटवारे हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कौन प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, किस मजबूरी में गांधी जी ने इसको स्वीकार किया और स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में किन लोगों ने इसका विरोध किया, ये सब जानकारी इतिहास के पन्नों में है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पद लोलुपता के कारण भारत का दो हिस्सों में बंटवारा हुआ। कांग्रेस से बार बार क्यों तीन साल से ऐसी बोल रही है, एजेंडा क्या कर साबित करना चाहते हैं? ऐसा है, कांग्रेस के पास में अब पूरा देश आज़ादी के 60 सालों के बाद पूरे देश को ये मालूम पड़ने लगा है, जो हमारा वास्तविक इतिहास है उसकी जानकारी मिल रही है कि अगर इस देश को दो भागों में बांटने के लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है, उसके नेताओं की पदलोलुपता है जिसका दंश आज भी भारत झेल रहा है। और कांग्रेस क्योंकि अब कलंकित हो रही है, कांग्रेस बदनाम हो रही है और इसलिए कांग्रेस पूरे इतिहास को पलटने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर लोगों ने सोशल मीडिया में मजेदार कमेंट किए, उन पर जमकर हमला किया। एक यूजर ने लिखा कि वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दिया और कांग्रेस ने मान लिया, गजब के मासूम मुख्यमंत्री हैं जी। एक यूजर ने आगे लिखा, दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने रखा तो फिर हस्ताक्षर नेहरू के क्यों, देश के विभाजन पर और हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया गया।